तो आज मैं बताने जा रही हूँ लियो के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि लियो क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। मतलब इतने सारे भर भर के पिछले ब्लॉग में मैंने, क्योंकि मैं बता नहीं पाई थी, और फिर मैंने मतलब इतना बता दिया था कि मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी। लियो बीमार नहीं था, कुछ नहीं हुआ था उसको, मतलब एकदम ठीक था, अच्छे से था। पर एक हादसा कहें या क्या कहें, तो उसकी शायद आयु भी इतनी रही होगी, तो वही मैं रीज़न दूंगी। किसी को मैं ये नहीं बोलूंगी कि किसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो कहते ना, एक बहाना होता है जब किसी की मृत्यु होती है या किसी, तो वही मैं मानती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि उस दिन हमारे घर में गेस्ट आए थे, तो गेस्ट आने के बाद हमने अच्छे से इंजॉय किया, और लियो भी इतना खुश हो गया था, जैसे वो हमेशा, जैसे घर में कोई आता भी था तो खुश होता था, जैसे हम घर से कहीं जाते भी थे तो फिर वो बोलता था, मतलब देखता था घर में जैसे पूरे मेंबर आए कि नहीं है। अगर एक दो कम भी होते थे तो वो बार बार खिड़की में जाके वो देखता था कि मतलब एक मेंबर भी कम हो गया, तो उसकी आदत थी कि वो खिड़की में जाके देखता था। ऐसा होता था, उस दिन भी गेस्ट आए थे, इतना मतलब अच्छे से हमने इंजॉय वगैरह किया, अच्छे से खाना पीना हर चीज़, और काफ़ी उसकी उस दिन बातें भी काफ़ी हो रही थी लियो के बारे में। हम काफ़ी हम सारे मिलके बात भी कर रहे थे कि लियो ऐसे करता है वैसे करता है, उसकी मस्ती और हर चीज़ हम शेयर कर रहे थे। पर पता नहीं था कि थोड़ी देर में वो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बीच में ऐसा कमेंट भी आया पिछले वाले ब्लॉग में कि शायद आप लोगों ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा होगा, तो अब उन्होंने क्या देख के ऐसा कमेंट किया मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि हमने 1-2 साल हो गया था रखे हुए, तो किसी के साथ हम अगर 2-4 दिन बात भी करते तो उसके साथ हमारा अटैच हो जाता है, मोह माया हो जाता है। तो वो तो हमारे साथ 2 साल से था, तो पूरे अच्छे से एक घर का सदस्य की तरह रखते थे उसको। ऐसा नहीं था कि हम उसके लिए अलग उसको नीचे सो जा, या उसके लिए अलग बिस्तरा, या कहें कुछ भी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हमारे साथ सोता था, उसका मर्जी था, कभी इधर सोता था हमारे इस बेड में, कभी उधर सोता था, कभी सोफे में सोता था, कभी खिड़की में। उसका ऐसा नहीं था कि उसको हमने ऐसा नहीं बना रखा था कि उसको एक ही जगह तुझे यहीं पे रहना है और तुझे यहीं पे वो करना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसे एक घर का सदस्य की तरह रखा था। और रही बात प्यार की, प्यार हम सब करते थे, मैं हो गया, ये हो गए, और मेघा हो गई, आकाश हो गया, और सबसे ज़्यादा तो मेघा करती थी। मुझे भी खुद अजीब लग रहा है क्योंकि मैं तो उसको 24 घंटे अपने साथ रखती थी, मतलब मेरे साथ ही रहता था वो। जैसे आप लोगों को पता है, मेरे ब्लॉग, हर ब्लॉग में आप लोगों को पता ही है, मैं उसको दिखाती थी तो वो कैसे मेरे को उठाता था, कैसे हर चीज़ करता था। तो ऐसा नहीं है कि हमने लापरवाही या कुछ करके उसको, उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है, ऐसा नहीं है। उस दिन गेस्ट आए थे, और गेस्ट मतलब हम यहाँ पर अच्छे से बातें बूते कर रहे थे, तो उतनी देर में थोड़ी सी मतलब जो बाहर का जो हमारा डोर है वो थोड़ा सा मतलब वो बच्चा गया था बाहर, गया था देखने के लिए, वर्षा लोगों को थोड़ा टहल रहे थे खाना खाने के बाद, वो बाहर गए थे। तो वो जाके बस उसने दरवाजे तो अच्छे से, डोर तो अच्छे से बंद कर दिया, बस उससे थोड़े से खुल गया, तो उतनी थोड़ी सी उसमें वो निकल गया लियो। और निकलने के बाद जैसे वो बाहर गया, तो उसको मतलब कुत्तों ने, जो कि कुत्तों को मैं खाना देती हूँ वही कुत्ते, अब उनको भी मैं क्या बोलूँ कुत्तों को भी। जब मैं गई थी बाहर तब मैंने देखा, जब हम 10 मिनट का, 15 मिनट का गैप था, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, 10-15 मिनट हुआ था। इतने देर में हम जैसे देखते थे कि अभी नहीं दिख रहा है, तो फिर हम बोलते थे लियो लियो करके बुलाते थे, तो वैसे ही हमने देखा कि है नहीं, तो हम जैसे ढूंढने लगे, तो उतनी देर में मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पर एक कुत्ता खड़ा था, और नीचे मेरे को वाइट वाइट सा दिखा, तो मुझे लगा कि शायद लियो तो नहीं है। तो मैं भाग के गई, जब तक मैंने देखा वहाँ पर जाके, तब तक वो लियो मतलब मर चुका था। तो अब उसी एक ही कुत्ते ने काटा, या उसको ज़्यादा कुत्तों के झुंड में वो हुआ, कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि हमने उसका पूरा चेक किया। अगर हमने सोचा अगर सांस भी होगा और कुछ होगा तो हम फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे, पर जैसे हमने देखा तो उसकी सांस भी नहीं थी और वो मर चुका था, तो उसको ले जाके भी कोई फायदा नहीं था। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं, हमें दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि हमने एक बच्चे की तरह रखा था, और जिन्होंने ब्लॉग देखते थे, जिनको पता है, उनको मैं कुछ सफाई नहीं देना चाहती हूँ। और जिनको एक दो को लगता है कि हमारे केयरलेस की वजह से हमने अच्छे से नहीं देखा, तो वो भी उनकी अपनी सोच होगी, किसी को मैं अभी यहाँ पे पॉइंट व्यू नहीं करना चाहती हूँ। बस यही है कि हमें तो दुख है क्योंकि हमारा तो एक घर का सदस्य चले गया है, तो यही कहना चाहती हूँ। इसके बाद का जो मैं ब्लॉग अभी आप लोग देखोगे,
वो ब्लॉग देखिए, क्योंकि मेरे काफ़ी ब्लॉग पेंडिंग हो गए हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एडिट करने का, ब्लॉग वगैरह भी डालने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पेंडिंग ब्लॉग है, क्योंकि मेरे भैया भाभी लोग आए थे। अब मैंने हर एक एक चीज़ का मोमेंट लिया था, पर कहते हैं कि अभी जाने वाला तो जा चुका है, अब क्या कर सकते हैं, तो आगे तो हमें बढ़ना पड़ेगा। और वही है, बस उसकी यादें हैं जो ब्लॉग में, मेरे काफ़ी पुराने पुराने ब्लॉग में है, तो वही यादें रखेंगे अपने साथ समेट के। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, तो चलिए अब आगे आप लोग देखिए कंटिन्यू। तो काफ़ी लोगों का सवाल था क्या हो गया है, आप बताए बताए, तो मैं इसलिए मैंने ये थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया है, तो चलिए। तो ये जो वीडियो है ये बहुत पहले का है और ये मैंने उस टाइम बना दिया था और उसके बाद मैं आज इस ब्लॉग में एडिट कर रही हूँ। और मैं गई थी राखी का मतलब गिफ्ट लेने के लिए, जो कि है वर्षा और मेघा के लिए। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी क्या मतलब क्या चीज़ लूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि वर्षा की पहली राखी है शादी के बाद, तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ब्रेसलेट, कान के टॉपर्स। तो ब्रेसलेट मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि कान के टॉपर्स तो उसके पास बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं अंगूठी भी देख रही थी, तो दो मन हो रहा था, या तो अंगूठी लूँ या तो ब्रेसलेट लूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं डिज़ाइन वगैरह भी देख रही थी, काफ़ी जगह दिखा रहे थे भैया। तो उसके बाद फुल एंड फाइनल मैंने ब्रेसलेट ही लिया, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया है, आपको पता चल गया है। तो मैंने ऐसे पैक भी करा दिया था, तो पैक कराने के बाद फिर मैं यहाँ से चली गई थी और बारिश भी हो रही थी। तो तो चलिए, फाइनली लेके आ गई हूँ, अभी जाती हूँ घर पे, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन, और उसके बाद चलते हैं घर। फटाफट से लिया है क्योंकि उनको शक ना हो जाए, पूरा बारिश हो रहा था और मैंने देखो बरसात ही रहना था, अभी देखो पूरा मौसम साफ हो गया है। तो यहाँ पर सुबह का समय है और इतना हप्पड़ दप्पड़ हो रहा था क्योंकि राखी हमने, एक तो रात का टाइमिंग था, एक सुबह का था। तो हमने सोचा कि रात को क्या मनाना, सुबह मनाते हैं। और सुबह आपको पता ही है कि इतनी जल्दी था, सुबह 7 बजे से पहले का टाइमिंग था और इतनी हप्पड़ दप्पड़ हो रहा था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले मैं लगा देती हूँ, उसके बाद फिर वर्षा और मेघा लगा देंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने मतलब 7:15 हो रहे थे, मैंने कहा चलो मैं फटाफट लगा देती हूँ, तो फिर तुम लोग लगा देना। और इतना हप्पड़ दप्पड़ में मैं तो सच में मतलब कितनी चीज़ें भूल भी गई, रुमाल रखना, हर चीज़। मतलब कहते हैं ना, हप्पड़ दप्पड़ में इंसान का होश भी गुम हो जाता है, तो वैसा हो गया था। और यहाँ पर जैसे मैं भैया को लगा रही थी राखी, और भाभी को इसलिए नहीं लगा रही थी कि उनको नहीं होता था लगाना, तो इस कारण से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बस टाइमिंग भी देख रही थी और फटाफट से राखी लगा रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं भूल भी गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइमिंग देख देख के लगा रही थी, तो हो रहा था। और काफ़ी साल के बाद मैं राखी लगा रही थी, काफ़ी, अभी तो मुझे साल भी याद नहीं है, शायद 7-8 साल हो गए होंगे। फिर मुझे बीच में याद आया, तो उसके बाद फिर मैंने रखा रुमाल, और उसके बाद फिर से मैं आरती कर रही थी, और फिर बाद में मैंने फिर नारियल दिया। तो वो ये सुबह के कारण सारा हपड़ दपड़ हो रहा था। तो अब मैंने फाइनली राखी बांध दिया और मिठाई दे दिया उसको, और उसके बाद उसने मुझे जो शगुन कहते हैं वो दिया। और उसके बाद फिर वर्षा लोगों की तैयारी हो गई थी, तो फाइनली मैंने काफ़ी साल के बाद राखी बांध दी और खुशी भी हो रही थी। तो राखी रुखी बांधने के बाद फिर हम गए थे बाहर, और बाहर फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। और यहाँ पर देखिए रील वगैरह की तैयारी हो रही थी, जो कि आकाश और वर्षा की। तो इन लोगों को देख के थोड़ा वो भी लग रहा था, कॉमेडी भी लग रहा था, क्योंकि आकाश बोल रहा था मुझे लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी बना। तो फिर उसके बाद वर्षा बोल रही थी कि इतना हपड़ दपड़ में तो अच्छे से नहीं बनेगा। तो फाइनली जैसे तैसे करके इन लोगों ने एक रील बना लिया, और उसके बाद हमने सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया। अच्छा, अपनी तारीफ। ओह माय गॉड, गदर टू गो गाना। अच्छा, जो 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 ज
कोई भी नॉर्मल से चलेगा ऐसे क्या निकालो जा तो सही ओह माय गॉड यार तो स्टेफन ये बना ले यहाँ पर चल रहा है अभी रील बनाने की तैयारी और हमने राखी भी बांध लिया 7 बजे से पहले और हफर दफर में मैंने आज सुबह कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई तुझे दीदी के साथ मस्ती करनी है आऊंगा मेरा ही हो गया चलो आपने बनाने हैं चलो इंडिया गेट पे ऐसे घुमाने वाला बनाना फिर ताज होटल के बाहर बनाना फिर उसके बाद कोलाबा में तो 3 जगह हो जाएंगी तो फिर उसमें गाना डाल देना एपीडी लेना वो डाल बनाते रहते एपीडी लेते अभी हमारा राखी रुखी बन गया है अभी जाते हैं गेट ऑफ इंडिया तो राखी मनाने के बाद हम फिर निकल गए थे गेट ऑफ इंडिया के लिए तो यहाँ पर हम लोकल ट्रेन में बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए सामने भैया बैठे हैं और हाय हाय देखो हाय तो करो हाय तो करो कहाँ जा रहे बाबू कहाँ जा रहे गेट वे ऑफ इंडिया हाँ और ताज 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 होटल हाँ और देखिए वहाँ पर एक मरीन ड्राइव करते भी है मेरे को भी इतना पता है वहाँ पे भी घूमेंगे 2-3 जगह अभी आज जा रहे हम इसमें गेट ऑफ इंडिया पहुँच गए हैं और आज जाके खुला है पिछली बार आए थे तो नहीं खुला था क्योंकि बरसात काफी हो रहा था तो इस वजह से बंद था कैसे हिल रहा है यार भाभी को डर लग रहा भाभी मुझे भी डर लगता है कसम से बहुत कुछ तो हिल रहा था भाई कैसे हिल रहा है ये आप ही चढ़ो भाई हम तो नहीं चढ़ो तो हम लोग यहाँ पर चढ़ गए थे ये जो किश्ती कहें या मतलब जहाज कहें पानी जहाज तो यहाँ पर देखो इतने सारे लोग थे और यहाँ पर बीच बीच में इतना चक्कर आ रहा था भाभी को भी मेरे को भी तो यहाँ पर मैं कह रही थी बस कब ख़त्म होगा यहाँ पर ये जो राउंड लगा रहा था तो मुझे भी चक्कर आ रहे थे और इतना डर लग रहा था मुझे तो पहली बात तो ऊँचाई से और ये पानी जैसे कहते हैं ना इससे बहुत डर है बल्कि इसके बदले चाहे मुझे आगे शेर के आगे भी बिठा दो तो इतना डर नहीं होगा पर ये जैसे पानी और ऊँचाई से मुझे बहुत डर लगता है तो मैं कह रही थी पता नहीं जल्दी ये घुमा के राउंड लगा के ले जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंजॉय काफ़ी कर रहे थे फ़ोटो वीडियो सब कुछ बना रहे थे यहाँ पर भैया भी बना रहा था वीडियो और फ़ोटो वगैरह क्लिक किया उसने फटाफट से हम घूम के यहाँ पर फिर हम यहाँ से गए थे ताज होटल देखने और गेट ऑफ इंडिया तो यहाँ पर देखिए कैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और रील वगैरह बना रहे थे तो मैं इन लोगों को देख के मतलब थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी और अच्छा भी लग रहा था दोनों का जैसे बॉन्डिंग है दोनों में तो वो चीज़ देख के तो यहाँ पर हम आ गए थे मरीन ड्राइव पे तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर देखिए कितना अच्छा समुंदर है इतना बड़ा समुंदर है जो कि आप लोगों ने काफ़ी मूवी या तो सीरियल या किसी में देखा होगा तो ये वहाँ का सीन है तो आसपास में इतने सारे बिल्डिंग हैं बड़े बड़े और हाईवे रोड भी है तो समुद्र तो इतना बड़ा है कि आप देखोगे तो आंखें मतलब ख़त्म नहीं होगी इतना बड़ा समुंदर है तो यहाँ पर देखिए एकदम सुकून मिला दिल को यहाँ पर इतना अच्छा लगा थोड़ी देर हम बैठे उसके बाद हम आ गए तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ।